अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सांझ न्यूज़ और मैं हूं जुहेब खान। सबसे पहले आज की हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत, नवाज शरीफ और उनके वकील ख्वाजा हारिस की अदम पेशी। अदालत ने केस की समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कराची में न्यूचाली के करीब कसीरुल मंजिला इमारत में रात गए लगी आग, बुझ गई। कूलिंग का अमल जारी। आग लगने से लाखों का कीमती सामान जलकर खाकस्तर हुआ। डॉलर लेने या इमदाद की बात करने अमरीका नहीं आया। दोनों मुल्कों के खराब तालुकात में बेहतरी चाहते हैं। वजीर खारजा का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं शकील आफरीदी को कानूनी अमल के बाद सजा दी गई। अमरीका पाकिस्तानी कानून का एहतराम करे। भारत को आलमी महाज पर एक और सुबकी का सामना। आज भारत के दौरे पर आने वाले अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मकबूजा कश्मीर की सूरतेहाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। गुटेरेस ने कहा है कि इख्तलाफात पुरअमन तौर पर खत्म करने के लिए मसबत मुज़ाकरात किए जाएं। सर्जिकल स्ट्राइक का दावेदार भारत बौखला गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर के सिविल हेलीकॉप्टर पर फायर खोल दिए। राजा फारूक हैदर हमले में महफूज रहे। वजीर आजम आजाद कश्मीर कहते हैं खित्ते में जंगी जनून नहीं चाहते, लेकिन लगता है भारत बौखलाहट का शिकार है। सी पैक से मुतालिक नई पाकिस्तानी हुकूमत के एजेंडे पर अमल करेंगे। मंसूबे में तब्दीलियों के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में चीन के सफीर याओजिंग कहते हैं चीन सिर्फ इन मंसूबों को आगे बढ़ाएगा जो पाकिस्तान चाहेगा। ये पाकिस्तान की मईशत और उनका मुआशरा है। पाकिस्तान से मज़ाकरात के लिए सऊदी अरब की तकनीकी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। सऊदी हुकाम की जानिब से पाकिस्तान के लिए ग्रांट और तेल की फराहमी का मामला भी ज़ेरे बहस आएगा। पाकिस्तान सऊदी अरब को LNG बिजली के 3 कारखानों में शराकत दारी की पेशकश करेगा। कब्जा ग्रुप की हमायत की सजा। PTI के 2 अराकीन असेंबली आज सुप्रीम कोर्ट तलब। मंशा बम गिरफ्तारी केस में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने MNA करामत खोकर MPA नदीम बारा को मुलजमान की सिफारिश करने पर तलब कर रखा है। साबिक वजीर खजाना की पाकिस्तान में जायदाद नीलाम होगी या नहीं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जायदाद नीलामी के लिए नैब की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। PTV और पार्लियामेंट हमला केस की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर। असद उमर शाह महमूद कुरैशी समेत 12 मुलजमान ने आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। पंजाब हुकूमत का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुख्तलिफ स्कीमों में 600 किनाल से जायद जेरे कब्जा एराजी की तफसीलात जारी कर दी। एराजी खाली न करने वाले कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली नॉन स्टॉप ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कुलियों की पुरानी वर्दी बहाल करने का हुक्म दे दिया। कहते हैं रेलवे के मसाइल बहुत हैं, वक्त दें, हुकूमत कौम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी। जलजले और सुनामी के बाद इंडोनेशिया के जजायर में तबाही के मनाजिर। हलाकतें 832 हो गई। सैकड़ों अफराद को इज्तमाही कब्रों में दफन करने की तैयारियां। थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने मुतासरीन के लिए इमदाद की पेशकश कर दी। पाक भारत क्रिकेट सीरीज से BCCI का फरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान की दरख्वास्त पर आज से 3 अक्टूबर तक समाअत होगी।
पीसीबी ने साबिक चेयरमैन नजम सेठी को बतौर गवाह दुबई तलब कर लिया। खबरें देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल www.sanjhnews.com और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।